बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर ऑफ थर्ड ईयर, लेक्चर नंबर 25, क्लास थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स, ठीक हो गया। आज हमारा जो लेक्चर है वो है टॉपिक नंबर 5.6.3, देट इज़ अ सर्कुलर टेस्ट। हमारे पास सर्कुलर टेस्ट के बारे में आज पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्ट्री रिवर्सल के बारे में पढ़ा था और उसकी एग्जांपल्स की थी, ठीक हो क्या। सर्कुलर टेस्ट क्या है उसके बारे में आज पढ़ते हैं। द सर्कुलर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इसके ऊपर। और ये जो सर्कुलर टेस्ट है स्टूडेंट्स, ये पेपर में बार दफ़ा आ चुका है, आपका इंडेक्स नंबर पे इसका जो है वो प्रूफ आ चुका है सर्कुलर टेस्ट का, जो इसका सेम एज इट इज़ है। द सर्कुलर टेस्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट विच इज़ एप्लीकेबल फॉर टू ईयर्स, द गिवन ईयर्स एंड द बेस ईयर। आपके पास दो ईयर्स का फार्मूला रिवर्सल टेस्ट जो है विच इज़, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब दो साल का डाटा होगा, ईयर ऑन द बेस। बट इज सर्कुलर टेस्ट थ्री आर मोर, कहते हैं वो जो आपने टाइम रिवर्सल टेस्ट किया है तो आपके पास दो साल का, बट जो टाइम रिवर्सल सर्कुलर टेस्ट है, बट इज इन सर्कुलर थ्री आर मोर ईयर्स आर टेकन इन टू अकाउंट, उसमें हम तीन या तीन से ज़्यादा ईयर्स की बात करते हैं इसमें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। दिस टेस्ट मे बी स्टार्टेड दस, इसमें क्या है, मैं ज़रा आपको बड़े स्लो डाउन में समझाऊंगी कि आपको समझ आए। इफ़ पी ए बी इज़ द प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब आपके पास एक पी ए बी जो है वो प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर बी विद ए एस बेस में, वो कहता है कि आपके पास एक पी ए बी जो है वो प्राइस है, क्या है, पी ए बी प्राइस है, उसमें आपकी बी बी इज़ आपकी आपकी है, कह रहे हैं बी फॉर द, आप कहते हैं प्राइस नंबर क्या है, प्राइस है फॉर ईयर ऑफ, ईयर ऑफ, ये प्राइस जो है वो आपकी है, प्राइस है फॉर ईयर ऑफ बी और विद, और इसमें उसके साथ विद जो बेस ईयर वो दे रहा है, बेस ईयर आप कहेंगी विद बेस ईयर इज इक्वल टू ए, ए के बेस अकॉर्डिंगली बी, मीन्स आप कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ बी जो है वो ए के बेस ईयर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, इसलिए हमें पी ए लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है द प्राइस फॉर, द प्राइस फॉर द ईयर सी विद ईयर बी, मतलब नेक्स्ट वो आपको प्राइस दे रहा है बी सी, उसमें वो कह रहा है ये प्राइस आपके पास सी ईयर की है, किसी सी ईयर की है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हम इसमें यूज़ करेंगे प्राइस ऑफ बी सी, वो इसमें कह रहे हैं कि ये प्राइस जो है, प्राइस हमारे पास क्या है, प्राइस फॉर द ऑफ सी के लिए है, सी सी ईयर की प्राइस है विद बेस, उसमें जो है वो हमारे पास बेस ईयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम बी ईयर्स का यूज़ करें, जो ईयर बी है उसी हम एज बेस यूज़ कर रहे हैं, जबकि प्राइस हमारे पास प्राइस सी ईयर्स की है, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास विद ईयर्स, इसी तरह वो कहते हैं हमारे पास सी इज़ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर ए विद ईयर्स ऑफ सी, इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास एक जो है वो प्राइस ऑफ जो है वो ए सी ए है, जिसमें प्राइस ऑफ ए मतलब प्राइस हमारे पास ईयर ऑफ ए की है, जबकि विद उसकी जो बेस ईयर है वो बेस ईयर हमारे पास सी के लिए है, ठीक है, किसी सी के लिए बेस ईयर है। तो ये बेस ईयर्स हैं और ये करंट ईयर्स हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से उसने इसको नॉमिनेट किया है। देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडेक्स नंबर शुड इक्वल टू वन, अब इन सब का प्रोडक्ट अगर हम लें तो आंसर वन आना चाहिए, मीन्स कि हमें पहले प्राइस ऑफ ए बी बनानी है, फिर प्राइस ऑफ बी सी बनानी है और फिर प्राइस ऑफ सी ए बनाना है और फिर उसको इक्वल टू वन लाना है। इन जनरल द सर्कुलर टेस्ट इज सेट टू सेटिस्फाइड, आप कह सकते हैं नॉट, मतलब फर्स्ट ईयर है और सेकेंड वन जो है प्राइस वन की और इसका बेस ईयर नीचे है, सेकेंड ईयर की प्राइस है और फर्स्ट ईयर जो है वो उसका बेस ईयर है, थर्ड ईयर की प्राइस है और सेकेंड ईयर उसका बेस, इसी तरह एक सीरीज़। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करें जितनी भी सीरीज़ को, जितनी भी ईयर्स की प्राइस को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास वन बनना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि ये फार्मूला कुछ यूँ है कि हमें प्राइस जब बनानी पड़ती है, प्राइस ऑफ ए बी क्रॉस प्राइस ऑफ बी सी और प्राइस ऑफ ए सी,
ठीक है, तो इन सब को जब हम कट डाउन करें तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ये इसका आंसर, इसका 1, और जिसका भी आंसर 1 नहीं आता हम कहेंगे कि वो सर्कुलर टेस्ट को जो है वो फुलफिल नहीं करा। वेयर पी आई जे इंडिकेट द इंडेक्स नंबर, कहते हैं पी आई जे से हम अपने इंडेक्स नंबर को विदाउट द फैक्टर 100, 100 के बगैर, मतलब पिछले भी जो हमने बच्चे प्रूफ्स किए हैं ना उसमें हमने 100 का जो है वो फैक्टर नहीं लिया, ठीक है, परसेंटेज फैक्टर नहीं लिया, और आपने भी नहीं लेना, ठीक है। इसमें भी हम 100 के फैक्टर को इग्नोर करेंगे, ठीक है। और ए आई जी हमारे पास करंट ईयर होगा, और आई एथ जो हम न्यूट्रेशन दे रहे हैं वो बेस ईयर की दे रहे हैं। दिस टेस्ट इज़ नॉट अवे बाय एनी ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर, कोई भी इंडेक्स नंबर को खुद ही बता रहे हैं आपने फार्मूला, कोई भी इंडेक्स नंबर जो है वो जैसे लेस पेयर है, पाशी है, फिशर है, देन मार्शल एजवर्ड है, कोई भी जो है वो इस टेस्ट को फुलफिल नहीं करता, आर नॉट कॉन्स्टेंट, जब तक कि आप उसके वेट्स को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, मतलब ये तब तक नहीं वो इसको फुलफिल करेंगे जब तक कि आप उसके वेट्स को कांस्टेंट नहीं करेंगे। फॉर दिस पर्पस ऑफ इल्यूजन, कहते हैं वी कंसीडर द वेटेड एग्रीगेट प्राइस इन द नंबर फिक्स विद द वेट्स, हम उनके प्राइसेस के वेट्स को फिक्स्ड कर लेंगे, जैसे वेट्स क्यू नॉट को हम सेव कर लेंगे। लेट देयर बी 3 ईयर्स डिनोटेड बाई ए बी सी, अब जी हमने उसकी जो बेस ईयर है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेना है, और इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर उसने लिया है आपके पास, ठीक है, एक फर्ज कर लिया कि प्राइस इंडेक्स, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर लिया है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें इसकी वेट्स, वेट इज़ अ क्वांटिटी, हमने क्वांटिटीज़ को कर लिया है बच्चे फिक्स, जैसे इसमें पी बी ओवर क्यू नॉट ओवर पी ए, ठीक है। अब इसी तरह पी बी सी कैसे बनेगा, इस तरह से मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है पी ऑफ बनाना है ना, वेटेड इंडेक्स नंबर का बना रहे हैं, द प्राइस, द वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर आप बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पी ए बनाना है। हमने क्या किया है, हम कह रहे हैं कि हम अपने वेट्स मतलब क्वांटिटीज़ को क्यू नॉट को फिक्स्ड कर लेंगे, अपनी क्वांटिटीज़ को क्या कर लेंगे फिक्स, ठीक है। आपके पास वैसे प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट, ये होता है। अब हम इसको पी ए बनाएंगे, कैसे बनाएंगे प्राइस को, हम बनाएंगे समीशन पी, ए बी है ना, तो बी जो है वो गिवन ईयर है, इसलिए हम बी को रखेंगे ऊपर, क्योंकि पी नॉट की जगह तो आपके पास जो है वैसे आपके पास करंटली ये फार्मूला होता है, लेकिन अब पी नॉट की जगह तो आपके पास बेस ईयर तो ए है, ए को आप एज आ बेस ले रहे हैं, तो अगर बेस ले रहे हैं तो पी बी ओवर क्यू नॉट, क्योंकि ये तो हमने फिक्स किया हुआ है, ओवर समीशन पी ए ओवर क्यू नॉट, ये बन गया। अब आपने बनाना है प्राइस ऑफ पी सी ए, मतलब आपने बी सी बनाना है, बी सी का मतलब क्या है, सी आपने बोला था कि ये करंट ईयर है जबकि बी फॉर द बेस ईयर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समीशन पी सी क्यू नॉट ओवर समीशन पी बी क्यू नॉट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले कह दिया है कि हम अपनी जो क्वांटिटीज़ है हम क्यू नॉट को फिक्स्ड करें, जब तक आप अपनी क्वांटिटीज़ को फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये फार्मूला नहीं होगा, तो हमने क्यू को तो छेड़ना ही नहीं है ना, उसे तो हमने फिक्स किया हुआ है। और उसके बाद है जी आपके पास सी ए, इसमें क्या है, सी आपके पास करंट ईयर है, ए इज़ अ बेस ईयर, समीशन पी ए क्यू नॉट ओवर, जो करंट ईयर है आपको पता है वो क्यू एन की जगह ऊपर आता है और जो बेस ईयर होता है वो नीचे चला जाता है, क्यू नॉट। अब आपने ये जो है वो 3 वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली है प्राइस इंडेक्स नंबर में इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को करना है आपस में मल्टीप्लाई, पी ए बी क्रॉस पी बी सी क्रॉस पी सी ए, ठीक है। अब मैं इसकी जगह ये आना चाहिए 1, अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ समीशन पी बी, ये सेम ऐसे ही प्रूव वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का जो था वो पेपर में आया था कि इंडेक्स नंबर का वेटेज सर्कुलर का, तो और ये सेम ऐसे ही आपने करना था, ठीक है। सबसे पहले आप ए बी का रख रही हैं समीशन पी ए ए क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय बी सी का फार्मूला क्या था जी आपके पास, समीशन पी सी क्यू नॉट ओवर समीशन पी बी क्यू नॉट
multiply by summation PA Q naught over summation PC Q naught. ठीक है, ये आपके पास आ गया. अब आप देखेंगे कि आपके पास पी सी समीशन पी सी से कट जाएगा. ठीक है, पी बी वाला जो फार्मूला है बी, ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो रही है पी ए क्यू नॉट पी नॉट से, और आंसर इज इक्वल टू वन. तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्रूफ है वेटेड इंडेक्स नंबर का. वो बार बार कह रहा है कि सर्कुलर जो टेस्ट है वो तब तक हम नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास जो है वो इक्वल टू वन नहीं आता. और उसमें हमने किया क्या है, हमने क्वांटिटीज़ को फिक्स्ड किया है, क्योंकि वो खुद कहता है कि हम सर्कुलर टेस्ट को भी वेटेड नहीं रख सकते जब तक कि हम उसकी इंडेक्स नंबर जो है हम उसमें फिक्स्ड, अनलेस द वेट्स आर कॉन्स्टेंट. और वेट्स क्या है, क्वान्टिटी. क्वान्टिटी मीन्स को हम वेट्स लेते हैं, और जब तक वो फिक्स नहीं कर लेते तब तक हमारे पास ये नहीं होता. वी शो द सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड, तो हम कहेंगे कि जो देन द वेटेड प्राइस, तो आप कह सकते हैं जो वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर है उसमें उसने जो है वो हमारे पास जो है प्राइस इंडेक्स नंबर के फार्मूले ने इसको फुलफिल किया. नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की. अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. ये हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ना है, पीछे वाले सारे टॉपिक हमने करने हैं. सी पी भी कहते हैं, सी पी आई भी इसको कहते हैं. टॉपिक हमारा न्यू स्टार्ट होने वाला है 5.7 एंड इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है आपके पास. ठीक है, इसके बारे में हमने, इसको हम सी पी आई भी बोलते हैं. ठीक है, इसे प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं. मतलब आप कहते हैं कि इसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग थिंग इंडेक्स नंबर भी, कॉस्ट ऑफ लिविंग लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं. ठीक है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है. स्टार्ट करते हैं. वो कहते हैं मीनिंग, इसका मीनिंग क्या. अ कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर का मतलब होता है जो खर्च करने वाला होता है. ठीक है, अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज डिसाइड टू मेजर द चेंज, टू मेजर द चेंज इन द कंपोजिट प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड बुक गुड्स. मतलब आपके पास बास्केट ऑफ गुड्स हैं और उसके थ्रू आपने जो है, आपके पास बच्चे के बास्केट्स ऑफ गुड्स हैं और एंड सर्वाइव ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एंड कंपेयर्ड विद, आपने कंपेयर विद द बेस पीरियड. वो कहते हैं कि आपके पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है दैट इज़ अ स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स, जो चीज़ें आप डेली यूजिंग में यूज़ करते हैं उसकी जो, उसमें आपने बेस ईयर लेना है कि आप कहते हैं टू सो कॉल्ड द बास्केट वुड कंपेयर वेरियस कमोडिटीज़. मतलब वो अशिया जो रोज़मर्रा में जो ज़िंदा रहने के लिए आप यूज़ करते हैं उनके ऊपर बेस्ड करता है. सारी बातें कंज्यूमर है, आप क्या खर्च करते हैं, आप खाने पीने की अशिया खरीदते हैं, आपका एक बजट है, आपने पहनने के लिए कपड़ा लेना है, तालीम है, आपकी दीगर अदर चीज़ें हैं. कंज्यूम्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड इन द बेस पीरियड ऑन द गिवन पीरियड अंडर द मेन हेडिंग्स. जैसे आपका आप कह सकते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ों को ले सकते हैं, फूड्स एंड बजट जो आपके बैरियर्स हैं, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइटिंग्स आपके पास आ जाती है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स आ जाते हैं, फ्यूल एंड लाइटिंग मीन्स जो आप उस पर हाउसिंग रेंट जो है, सर्विसेज मीन्स कि आप जैसे स्टडी लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये सर्विसेज हैं, मेसुलेंस अदर देन जो चीज़ें आपके पास हैं. कस्टमरी टू एक्सक्लूड द डबल गुड्स एंड नॉन कंज्यूम मोनेट्री ट्रांसक्रिप्शन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड फंड्स सेविंग सर्टिफिकेट द क्वान्टिटी कंज्यूम आर द include our various group are used as wage for the average retail price index and prevailing index number of retail price index concerned during the base and given period. means के आपके पास consumer index number आपका अपना index number है जिसमें आपने actually में अपने budget को लेके actually में main चीज़ ये है कि government जो आपके अंदर
इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी देखती है कि आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं या प्राइसेस कम हो रही हैं, मुल्क में इन्फ्लेशन आ रहा है या डिफ्लेशन आ रहा है, वो भी वो सेम किस पे देखती है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पे देखती है। सम कंट्रीज आर रिटेन द नेम ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। इट इज़ मैयर, अब इसकी वो प्रॉपर डेफिनेशन करने लगा, इट इज़ मैयर द इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन आर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, वो कहते हैं कि ये आपका चेंज देखता है, इट इज़ मैयर द चेंज, ये आपकी मैयर द चेंज करता है इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके ज़िंदा रहने के लिए या अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक इंसान के ज़िंदा रहने का एक बजट या बहुत से लोगों के ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग आइडेंटिकली टेस्ट फॉर गुड, आपकी जो गुड्स होती हैं अशिया जो वो ख़रीदता है, अ कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज सो कॉल्ड अ हाउस होल्ड बजट प्राइस इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो बच्चे ये एक ही इंडेक्स नंबर के इतने नाम हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, हाउस होल्ड बजट इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो बाकी जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो आपने जो है वो इसको अच्छे से स्टडी करना है और इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने और सारे काम करने हैं, देन हम फिर जो है वो इस पर काम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।